थैंक यू मैनेजर. इट्स माय प्लेजर. आप ऊपर चलिए, मैं आ रहा हूँ. ओके. आपने ग्रीन सूट में किसी लड़की को देखा? हाँ, वो भी बाहर की तरफ गई है. हाँ भाई, वो लड़की भी उसके साथ में है. क्या नाम है उसका? कशिश. हाँ, वो टेप का टेप उठा के हाथ में है. किसी भी हाल में वो टेप छीन कर तुषार से अपने कब्जे में लो. पर वो लड़की, जरूरत पड़े तो दोनों को उड़ा दो. समझिए आपका काम हो. प्लीज, मैं तुम्हें अंधेरे में जीते हुए नहीं देख सकता. ये वो टेप है. मेरी जिंदगी के रंग तुमने ही जी है तुषार, इसलिए बस अब बेकार की बहन. मैं भी तुमसे नहीं करना चाहता, फिर भी नहीं देख सकता कि तुम झूठ के साथ जियो. ये वो टेप है जो तुम्हें सच्चाई बताएगी. ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा असली गुनहगार चक्कू. तो तुम नहीं जानना चाहते कि सच्चाई क्या? नहीं, तुम जैसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं, जिसके हर एक सच के पीछे 100 नए झूठ छुपे हैं. मैं ऐसे इंसान का भरोसा नहीं कर सकती कभी. कशिश, ये टेप. इस टेप को तुम अपने पास ही रखना तुझे. और वैसे तुम होते कौन? मुझे ये सब बताओ. हर रिश्ते का नाम नहीं होता कशिश, और शायद तुम्हें याद हो एक वक्त था जब मैं तुम्हारी सोच था. और सिर्फ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रही. लेकिन अब मैं उस वक्त को भूल चुकी हूँ, और अपनी गलतियों को दोहराना भी. अब मेरा रोम रोम तुमसे नफरत करता है, सिवाय मेरे दिल के. और जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दिल ने कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया. कुछ भी. अब ये दिल सिर्फ पर इसके एहसास मर चुके हैं, कुछ महसूस नहीं करता. तुम्हारे लिए नफरत नहीं, समझे तुम? लड़की ने बाहर फेंक दिया. क्या? और तुम मुन्ना, मुझे वो टेप किसी हाल में चाहिए. पूछो उस कशिश से,
कहाँ फेंकी उसने टेप? भाई वो लड़की बेहोश है और हम गाड़ी रोक भी नहीं सकते। क्या मतलब है तुम्हारा गाड़ी नहीं रोक सकते? कोई हमारा पीछा कर रहा है भाई। कौन? जब तक इन दोनों का कोई जानने वाला है हम क्या करें भाई? जो करना है वो करो मुन्ना, लेकिन मुझे वो टेप किसी भी हाल में चाहिए। पर अब इन दोनों का क्या करें? कशिश तो बेहोश है और ये तुषार बहुत हार कर चला रहा भाई। तुषार को बाहर फेंक दो और कशिश को अपने साथ लेकर, समझे? जी भाई। ए, एक गेट से बाहर। हाँ बोलो। हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ हाँ, यहाँ पर सब रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। एक मिनट रुको, लिखता हूँ। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? हम कह रहे हैं आपसे कि हमें रिपोर्ट लिखवानी है और आप वहीं पर लिखिए। आपको क्या दिक्कत है, बोलिए क्या लिखना है। मिसेस कशिश गुरेवाल का केस है। ठीक है, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आप दोनों को इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्म करेंगे? आपको उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा, समझे आप? ऋषि चलो। अरे वहाँ किसी की जान खतरे में है और इन लोगों को चिंता ही नहीं। कशिश को कुछ नहीं होगा ऋषि, मैं उसे कहीं से भी ढूंढने का। तुषार एक सेकंड, तुषार वो टेप। गुंडों से बचाने के लिए कशिश ने टेप को गाड़ी से बाहर फेंक दिया, लेकिन वही तो एक सबूत था हमारे पास। इस समय टेप से ज्यादा जरूरी कशिश की जान है। पता नहीं कशिश कैसे होगी और किस हाल में होगी। अब चिंता मत कीजिए मामा, कशिश का पता चल जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सो यू डोंट वरी। हाँ, अगर तुम यहाँ हो तो फिर चिंता की क्या जरूरत है। आखिर जिसने जाल बिछाया उसको तो उसे ही घेरना आएगा। वसुंधरा, तो कॉट से चुप हो जाओ। मैं चुप किस लिए करूं ललित, और वैसे भी चुप करने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। तुम सब जानते हो कि कौन कितने पानी में, लेकिन मुझे छोड़कर किसी में हिम्मत नहीं है कि मुंह खोलकर कुछ बोले। वसुंधरा कुछ तो इज्जत से। इज्जत? इस घर की इज्जत रही कहां? और जिस इंसान ने इस घर की इज्जत पर हाथ रखा, तुम सब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। मसीहा समझाए उसे। वैसे तुषार, बहुत चतुर चाल चली है तुमने। दर्द देकर खुद हम दर्द बना। अरे तुमसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है। भगवान के लिए आप दोनों बहस करना बंद करेंगे? ये सोचो, जिसने भी कशिश का किरदार किया उससे उसे जरूर कोई फायदा है। कोई मकसद है उसके पीछे? हाँ, मकसद तो है। तुषार से पूछो। बोलो तुषार, क्या मकसद है? मुझे लगता है ये सब इस टेप की वजह से। टेप? कौन सा टेप? वही टेप जिसमें रघु की सच्चाई का सबूत था। वो टेप लाते वक्त कशिश भी मेरे साथ थी। लो, कहा था ना मैंने, हो ना हो उसके तार भी तुषार से ही जुड़े होंगे। ऐसा ही हुआ। सुंदरा तुम चुप रहोगी? एक आखिरी सवाल का जवाब दे। पैसों के लिए किडनैपर्स का फोन कब आएगा? पैसों के लिए किडनैपर का कोई फोन नहीं।
कहाँ जा रहा है मामू? सारी दुनिया को तेरी सच्चाई बताना। अच्छा, तू बहुत कच्चा खिलाड़ी है मामू। तू कुछ करने से पहले सोचता था, ये भी नहीं सोचता कि उस बात का तेरे पे क्या असर हो सकता है। जरा सोच, मैंने जितने भी खेल इस परिवार के साथ खेले उनका मोहरा तू है। मैंने जितनी भी चालें करी हैं तुझे आगे का मोहरा बना के खेला, तो अगर इंक्वायरी हुई तो हर जगह तू ही फंसे, हर जगह। तू क्या समझता है कि सब लोग मेरे पे शक करेंगे? अरे किसी को ख्यालों में भी ख्याल नहीं आएगा कि ये सब मुझ मैंने कराया। मामू, अपन को ना, अपन को अपनी कोई फिक्र नहीं, और तुझ जैसे कमीने आदमी को सजा नहीं दे पाई तो लाइफ में किया गया, बांधा नहीं है, चलेगा अपने को। देख लो, कहीं तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी और की जिंदगी में चली गई। मुझे लग रहा है तुम कुछ भूल रहे हो। तुम भूल गए कि कशिश मेरे कब्जे में, और तू तो अच्छी तरह जानता है मामू कि मेरे लिए किसी को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अगर तूने अंदर जाके अपना मुंह खोला तो मैं कशिश का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शाणे, कशिश को कुछ हुआ ना तो मां कसम देख लेना। अरे मामू ऐसे डरा मत, डर जाऊंगा, बहुत कमजोर दिल है मेरा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मामू, क्या कशिश से प्यार मोहब्बत हो गई क्या? रियल लाइफ कैरेक्टर है, प्यार करने लग गया क्या उससे? बकवास बंद कर मामू, बकवास बंद कर लूंगा। अब एक लफ्ज नहीं कहूंगा, एक लफ्ज नहीं कहूंगा तेरे लव के बारे में, सॉरी सॉरी कशिश के बारे में। लेकिन एक बात है मामू, अगर तूने इस घर के अंदर जाने की कोशिश की ये समझ लेने की कोशिश गई, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि स्वयं शेर गए मैं बुरा काम करने से पहले सोचता और ना उसके बाद फैसला तेरे हाथ में। दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस किडनैपिंग में शामिल। कौन है? कमलनाथ। बताओ कशिश कहाँ? बस हाँ, छोड़ दो। छोड़ दो। बताते भैया। ये क्या कर रहे हैं सतीश? छोड़िए इन्हें। ये लोग पहले ही हमें सब कुछ बता चुके हैं कि मिसेस कशिश का किडनैप किसने किया है। लेकिन वो कौन है? वो यही है आप लोग के बीच। आपका हमदर्द बनकर लेकिन वो कौन है? जिसे कशिश का हाल जाने की सबसे ज्यादा जल्दी थी असल में उसी ने उनका किडनैप करवाया है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ दुशा, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर तुषार, आपको कुछ गलत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा था ना कि आदमी हमें मार डाले और इसी ने किडनैप कराया था, इसी ने पैसे दिए थे हमें। मैंने पैसे दिए थे? हाँ, मैंने कहा था। बोला इसे।
ये झूठ बोल रहा। मैं वहां पर टेप लेने गया था और वहीं पर इन लोगों ने कौन सा टेप? जिस टेप की आप बात कर रहे हैं दरअसल वहां पर ऐसा कोई टेप था ही नहीं। या आपका कोई नाटक है या आपका मास्टर प्लान इस रेप केस से बचने के लिए। लेकिन तुषार आप इंस्पेक्टर मैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब इनकी चाल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मामा प्लीज इनकी बात पर यकीन मत कीजिए। तुम्हें ले जाओ उसे। नहीं इंस्पेक्टर मामा इनकी बात का विश्वास मत कीजिए। सुनो आप लोग मेरा भरोसा कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ चारों दुनिया क्यों है। यही ना कि जिस घर के लिए मेरे हाथ हमेशा दुआओं में उठे उस घर के लोगों ने मुझ पर उंगली उठाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। यही कहने आई हूँ मैं तुमसे। जिस घर को जिन लोगों को तुमने इतनी इज्जत दी उन्होंने बदले में तुम्हें क्या दिया? ये सलाखें ये बंद कमरा कशिश दी के लिए तुम्हारे मन में इतना लगा कि क्या सलाह मिला तुम्हें? तुम तो सिर्फ सच्चाई कह रहे थे ना। तुम बस मेरी बेल कराओ कोशिश। बस अब उसी का इंतजार है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।